वेलकम टू माय चैनल सब्सक्राइब एंड आइकन फॉर सो दिस की वो मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है तो ये हमारा पार्ट टू है ठीके? तो अब हमको यहाँ से शुरू करना था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सेवंथ में हमने लर्न किए थे कुछ इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट के तो अब आप, आप लिस्ट कर सकते हैं उन इफेक्ट्स को कि क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो फ्लो करते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन की चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं जो पैसेज होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन वो कॉज करता है केमिकल रिएक्शन तो रिजल्ट क्या होता है जो बबल्स हैं गैस के वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं मेटल के वो सीन होते हैं इलेक्ट्रोड्स में तो चेंजेस चेंजेस हो जाते हैं कलर का कुछ सोल्यूशन में ठीक है जो रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है कि क्या सोल्यूशन है और क्या इलेक्ट्रोड यूज़ हुआ है उसमें ठीक है तो ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के 1880 एटी में 1800 में जो ब्रिटिश केमिस्ट है ना विलियम नाइकॉलसन उसने ये दिखाया कि क्या इलेक्ट्रोड्स इमर्ज होते हैं वाटर में और जो करंट है वो पास होता है जो बबल्स होते, है हो है। होते हैं ना ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के वो प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड में और वो कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी में और हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड्स में तो चलिए अब हम ये देखते हैं बूजे ने डिसाइड करा है कि वो टेस्ट करेगा कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं तो उसने पोटेटो को कट करा था दो हाफ्स में और उसमें कॉपर वायर डाल दी थी तो फिर उसकी मम्मी ने उसको बुलाया और फिर वो उसको निकालना वायर में से भूल गया ठीक है और जो टेस्टर था वो पोटेटो के अंदर ही इंसर्ट रह गया जब वो आया हाफ एन आवर में तो उसने नोटिस करा कि ये जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया पोटैटो में ठीक है एक वायर में जबकि कोई भी स्पॉट नहीं था दूसरे एंड में मतलब आप देख सकते हैं ये मतलब वो हाफ़ एन आवर के लिए रख के छोड़ गया था दूसरी बार में तो कोई स्पॉट नहीं आया जबकि इधर स्पॉट आ गया था लेफ़्ट हैंड साइड तो वो सरप्राइज हो गया था इस ऑब्जर्वेशन में ठीक है बहेली के साथ तो उसने रिपीट करी एक्टिविटी बहुत बार फिर उन्होंने फाउंड करा कि ये ऑलवेज़ वायर जो है कनेक्टेड होती है पॉजिटिव टर्मिनल की जिसमें जो ग्रीनिश ब्लू ब्ल्यू स्पॉट आ जाता है उसमें उन्होंने फेल करा कि जो डिस्कवरी थी ना उनकी बहुत ज़्यादा यूजफुल थी अब आप ठीक है और उसने और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का या फिर बैटरी उसमें से कंसील्ड है बॉक्स में तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो रिपोर्ट करे फाइंडिंग चिल्ड्रन मैगजीन में तो मतलब अगर आपको भी मजा आता है कि मतलब कि जैसे कि वो जो ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करके देखा था तो अगर आपको भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा अगर आप चाहें तो आप ये वाला भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि सच में आया था रिमेंबर करिए कि जो जो है वो सेट आउट हो गया टेस्टर के जब जब जो पोटैटो है वो उसने ये सोचा कि पोटैटो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं फिर उसने फाउंड करा कि जो करंट है वो जो प्रोड्यूस हुआ था केमिकल इफ़ेक्ट्स पोटैटो में उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था एक बार आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा इन फैक्ट जो साइंस है ना कभी कभार ऐसी ही वर्क करती है अब आप भी कुछ करिए समथिंग ठीक है और आप डिस्कवर करिए कुछ और मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ मेड हो गई है इस मैनर में अब आ गया इलेक्ट्रो प्लेटिंग तो आप जानते हैं कि जो ब्रांड न्यू बाईसाइकिल है उसमें शाइनी हैंडल बार्स होते हैं और व्हील रिम्स होते हैं और अगर जो एक्सीडेंटली वो स्क्रैच हो जाते हैं तो शाइनिंग कोटिंग जो है उसमें से कम ऑफ हो जाती है फिर वो इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती आपने देखा होगा कि जो वुमेंस यू वेयर करती है ऑर्नामेंट्स ठीक है वो अपेयर होते हैं गोल्ड के हाएवर जब रिपीटेड यूज़ करते हैं ना मतलब जब बार बार पहनते हैं तो जो गोल्ड कोटिंग है वो हट जाती है और फिर उसमें से सिल्वर या कोई और मेटल हमको दिख जाता है इन बोथ केसेस में जो मेटल है ना वो कोट होता है दूसरे मेटल से अब आप वंडर कर सकते हैं कि कैसे जो लेयर है एक मेटल की वो दूसरे लेयर के ऊपर डिपॉजिट होती है चलिए अब हम ट्राई करते हैं करके ठीक है सिल्वर और गोल्ड जो है एक सेकेंड ये तो नेक्स्ट पेज आ हाँ गया है ना जब जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट्स करता है इनटू कॉपर सल्फेट तो जो फ्री कॉपर गैस होते हैं ना वो ड्रॉन हो जाता है इलेक्ट्रोड में और वो कनेक्टेड हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के और वो डिपॉजिटेड हो जाता है लेकिन जो लॉस ऑफ कॉपर भी होता है सोल्यूशन में से तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ना कॉपर प्लेट का वो इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इनको मिल जाती है जो कि डिजॉल्व होता है सोल्यूशन में तभी जो लॉस ऑफ कॉपर है ना सोल्यूशन में वो फिर रिस्टोर हो जाता है और जो प्रोसेस है एज ही कंटिन्यूस करता है इसका मतलब कि जो कॉपर है वो ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में तो जो प्रोसेस ये जो प्रोसेस होता है कि जब हम डिपॉजिट करते हैं लेयर कोई भी डिजायर मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तो उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं कोट करने के लिए मेटल ऑब्जेक्ट थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल तो जो लेयर होती है मेटल की वो डिपॉजिट हो जाती है कुछ डिजायर प्रॉपर्टी में जो कि जो मेटल है ऑब्जेक्ट का वो ला कर दे जैसे कि जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि कार पार्ट्स में आपने देखा होगा बाथ टैप्स में किचन गैस किचन गैस बर्नर में बायसाइकिल हैंडल बार व्हील रिम्स और बहुत ज़्यादा दूसरी बीबीम में भी आपने देखा होगा तो आप वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं जो क्रोमियम है ना उसमें बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस होती है और ये क्रोड नहीं करता और वो रिजिस्ट करता है स्क्रैचेस रिजिस्ट मतलब कि वो स्क्रैच से बचाता है हाइवर जो क्रोमियम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो इकोनॉमिक होती है कि वो मेक करे होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम तभी जो मेटल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो चीपर अम, बन, चीपर मेटल से बने होते हैं और उनमें कोटिंग होती है क्रोमियम की ओवर इट इज डिपॉजिट ज्वेलरी मेकर जो है ना वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर और गोल्ड लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर ये जो सारे ऑर्नामेंट्स हैं ठीक है उनमें भी सिल्वर और गोल्ड की बहुत ज़्यादा अपेयरेंस होती है पर इतने ज़्यादा महंगे भी वो नहीं होते टिन कैंस यूज होते हैं स्टोर करने के लिए फूड और वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग से ही बनते हैं टिन एंड ऑन टू आयरन जो टेन है वो लेस रिएक्टिव होती है आयरन से तभी जो फूड है वो कम नहीं करता इन कॉन्टैक्ट विद आयरन और वो प्रोटेक्ट करता है उसको स्पॉयल होने से आयरन यूज़ होते हैं ब्रिजेज में ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हाइवर जो आयरन टेंट्स हैं वो क्रोड करते हैं और रस्ट करते हैं तो जो कोटिंग है जिंक की वो डिपॉजिट होती है आयरन में और वो प्रोटेक्ट करती है उसको कोरोजन होने के लिए और फॉर्मेशन रस्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में जो डिस्पोजल होते हैं ना वो यूज़ होते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन ये मेजर कंसर्न है और ये पल्यूट करे वेस्ट और बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक डिपोजल गाइडलाइंस होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब इन्वायरमेंट में ठीक है तो ये हमारा पार्ट टू है तो होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ठीक है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा ठीक है पार्ट वन में आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी तो हमारा चैप्टर फोर्टीन कंप्लीट हो चुका है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय